हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नोड्स यूट्यूब चैनल आई एम योर होस्ट योर फ्रेंड इंजीनियर सी एस नागेंद्र वॉट टूडे टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज प्रॉब्लम्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन यूजिंग लाइन कमांड इन ऑटो कैट इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेस्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लाइन कमांड लेटे सी प्रॉब्लम नंबर वन टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन With endpoints 5.5 and 35.20 by line command using the absolute coordinate system in AutoCAD. तो सबसे पहले कोई भी coordinate system अगर आपको use करना है line draw करने के लिए तो आपको उसका format पता होना चाहिए. The format of absolute coordinate system is x, comma, y. यहाँ पर एक हिंट मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप स्टार्ट पॉइंट के लिए सेलेक्ट करेंगे तो द स्टार्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट शुड ऑलवेज बी गिवन इन एस कॉमा वाई फॉर्मेट ओके स्टूडेंट्स ठीक है चलिए आइए देखते हैं बनता कैसे है तो कमांड को आप लिखेंगे लाइन और एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे व्यू पोर्ट विल बी गेट एक्टिवेटेड ऑन द स्क्रीन नाउ द कंप्यूटर विल आस्क यू स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट जेस्ट आपको क्या करना है फाइव कामा फाइव लिख के एंटर की प्रेस कर देना है जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे पॉइंट नंबर पी वन विल बी विजिबल ऑन व्यू पोर्ट ना द कंप्यूटर विल अगेन आस्क यू स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट तो आपको क्या करना है जो पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट आपको दिया था क्वेश्चन में थर्टी फाइव ट्वेंटी वो आपको वहाँ टाइप करके एंटर की प्रेस कर देना है द लाइन विल बी गेट कंस्ट्रक्टेड on the screen which is visible on the viewport between points P1 and P2 having coordinates 5.5 and 35.20 ठीक है स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कमांड फॉर्म से बाहर भी आना है कि लाइन कमांड एक्टिवेटेड था उससे बाहर आना है तो फिर से आपको कंप्यूटर पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट उसमें आपको कुछ नहीं करना है सिंपली एक एंटर की प्रेस कर देना है ब्लैंक तो आप क्या होगा कमांड की से बाहर आ जाएंगे ओके स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू To conduct a line with endpoints 10 comma 10 and 10 fifty five by line command using the relative coordinate system in AutoCAD, format used in absolute coordinate system is format used in relative coordinate system is at the rate x comma y. Okay students. ही, हिंट क्या रहेगा वही जो पिछले क्वेश्चन में था कि जब भी स्टार्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे तो हमेशा उसको एक्सकॉमा वाई फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे तो कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में लिख देंगे लाइन एंटर की प्रेस कर देंगे व्यू पोर्ट विल गेट एक्टिवेटेड ऑन द स्क्रीन कंप्यूटर विल आस्क यू स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट तो आपको क्या करना है एक्सकॉमा वाई फॉर्मेट में लिखते हुए टेनकॉमा टेन लिख देंगे एंटर की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड में एंटर की रहता है उसको प्रेस कर देंगे जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे पॉइंट पी वन विल बी विजिबल ऑन द व्यू पोर्ट फिर अगेन कंप्यूटर विल आस्क यू स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आप पॉइंट को मैंशन करेंगे तो ऐट द रेट एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट था तो ऐट द रेट सेकेंड पॉइंट क्या था टेन कॉमा फिफ्टी फाइव तो वो लिख देंगे आप देखेंगे कि व्यू पॉइंट में आपको एक लाइन का होकर मिल गई है बिटवी पॉइंट्स पी वन एंड पी टू हैविंग कॉर्डिनेस टेन कामा टेन ऑन एंड टेन कोमा फिफ्टी फाइव ओके स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कमांड प्रॉप्ट के बाहर आना है कमांड लाइन कमांड के बाहर आना है तो क्या करेंगे फिर से पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आपको सिंपली एक एंटर की प्रेस कर देना है ठीक है स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री कंस्ट्रक्ट अ लाइन विथ स्टार्ट पॉइंट फिफ्टीन कॉमा फाइव एंड डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्टी यूनिट्स बाय लाइन कमांड यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटो कैट फॉर्मेट यूज फॉर पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एट द रेट एक्स लेस देन सिंबल देन वाई ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्स है वो डिस्टेंस होता है और वाई जो होता है वो एंगल होता है हिंट क्या रहेगा कॉर्डिनेट ऑफ स्टार्ट पॉइंट इन द फॉर्मेट एक्सकॉमा वाई और एक चीज जब भी हम लोग एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल uh, वाला मेथड यूज़ करेंगे मतलब पोलर कोऑर्डिनेट मेथड यूज करेंगे तो एंगल ले, लेंगे हम लोग वो पॉजिटिव तभी लेंगे जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेंगे और नेगेटिव लेंगे जब उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं कमांड में लिखेंगे लाइन एंटर की प्रेस करेंगे व्यू पोर्ट विल्यू गेट एक्टिवेटेड ऑन द स्क्रीन कंप्यूटर विल आस्क यू स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट आपको लिखना है फिफ्टीन कोमा फाइव एंटक की प्रेस करना है पॉइंट विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन अगेन कंप्यूटर विलास की स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आपको फॉर्मेट यूज़ करते हुए क्या लिखना है एट द रेट फोर्टी लेस देन जीरो बिकॉज आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है और डिस्टेंस फोर्टी है तो क्या करेंगे लेस देन सिंबल लगाएंगे और जीरो की जीरो लिख देंगे ठीक है स्टूडेंट्स आपको क्या करना है अगेन कंप्यूटर विलास की स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट आपको कंप्यूटर uh, क्या करेगा एक लाइन uh, कंस्ट्रक्ट करके दे देगा बिटवीन पॉइंट्स पी वन एंड पी टू आप कंप्यूटर फिर से पूछेगा स्पीफा नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है एंटर की प्रेस कर देने आप कमेंट करके बाहर जाएंगे अगर वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक करिए शेयर सब्सक्राइब करिए थैंक यू